गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, एक्वा लैब जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। इंडिया में तो काफ़ी तेज़ी से फैल ही रहा है और साथ साथ ये बाहर भी जा रहा है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक कंपटीशन अनाउंस किया है। इस कंपटीशन में आप सब पार्ट ले सकते हैं, जिनके पास गोल्ड फिश है, जिनके पास बेटा फिशेज हैं और सिकलेट्स हैं। अगर आपके पास ये हैं तो आप अपने फिशेज का वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें कि डिटेल वीडियो बनाएं सामने से और टॉप व्यू भी दिखाएं, जिससे आपकी फिशेस प्रॉपर दिखें। इसमें से हम लोग डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है, और जो भी विनर रहेंगे उनको एक्वा लैब की तरफ से उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लाइक अगर गोल्ड फिश का कोई विनर है तो उसको गोल्ड फिश का खाना मिलेगा, लाइकवाइज बेटा फिश के लिए उनको बेटा का खाना मिलेगा। और प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और आप ये जीत सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको अपनी फिशेस के वीडियोस बनाने हैं और सोशल मीडिया पे शेयर करना है। आप उसमें मुझे टैग कर सकते हैं और साथ ही साथ ज़ुहैर एग्जॉटिक, वो भी इस कंपटीशन को जज करेंगे। आप उनके पेज को फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, और आपको एक्वा लैब को फॉलो करना है और उनको भी वीडियो में टैग करना है। तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं, जो भी मेरी डिटेल्स हैं मेरे कॉन्टैक्ट की, वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बाकी प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आइए चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। एक महीने पहले मैंने एक्वा लैब फूड की अनबॉक्सिंग करी थी, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको भी चेकआउट करें। आज इस फूड का रिव्यू मैं एक्चुअल रिव्यू दूंगा आपको कि ये कैसा खाना है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और साथ ही साथ इसकी अनबॉक्सिंग का भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में भी बता दी थी, वो सारी रिपीट करूंगा तो ये ठीक नहीं है। एक फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिले आपको हर वीडियो में, तो प्लीज़ इसलिए आप पिछले वीडियोस भी देखा करें, चाहे इस किसी की अनबॉक्सिंग हो या फिर किसी टैंक का सेटअप हो। सो ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है मुझे इस अपनी मछलियों को खिलाते हुए, रिजल्ट्स अच्छे हैं और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द फूड। कोई भी फिश फूड अगर आप अपनी मछली को खिलाते हैं, अपनी फिशेस को खिला रहे हैं, तो उसमें आपको बस यही देखना होता है कि वो आपके पानी को गंदा नहीं करती है, आपकी फिशेस हेल्दी रहती हैं, पानी से स्मेल ना आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें फेस नहीं करी है। फिशेस की ग्रोथ की अगर बात करें, तो एज अ पर्सन अगर आपकी कोई फिशेस हो और आप उसको रोज़ देख रहे हो, तो ये कह पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि ये मछली किस हिसाब से बढ़ रही है। जब तक आप उसको बहुत दिनों बाद ना देखें, या कोई और आता है तो वो बताता है कि अरे यार ये तो छोटी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई है, तो उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ श्योरिटी से कह सकता हूँ एक महीने यूज़ करने के बाद, कि खाने से आपका पानी गंदा नहीं हो रहा है, आपके पानी में स्मेल नहीं आती है, कोई फिशेस में कुछ पानी पैरामीटर्स में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि ओके मैंने स्विच किया है खाना, और उस वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ फिट है, पानी की कंडीशन भी सही है, फिशेस हेल्दी हैं। सबसे अच्छी बात, अगर आपने मेरी क्लिप स्टार्टिंग में क्लिप देखी हो, तो जो मेरी फिशेस हैं उन्होंने खाने को एक्सेप्ट कर लिया है और वो खुशी खुशी खाना खाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको तो पता ही है, कॉन्स्टेंटली मेरी फिशेस ब्रीड भी करती हैं, जिसकी कई बार मैंने पोस्ट अपने फेसबुक पे भी डाली है। तो वो सब फिशेस तभी करती हैं जब उनको एक अच्छा कंडीशन इन्वायरमेंट मिलता है और साथ ही साथ हेल्दी डाइट मिलती है। सो एवरीथिंग इज़ गुड, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस फूड टू ऑल दी हॉबीज़। ये एक ऐसी कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया में बनती है ना, मैंने इनको फॉलो करता हूँ मैं कहता हूँ, तो एक गुड न्यूज़ है। इवन आई फील लकी कि मुझे उन्होंने ये भेजा, बिकॉज ये खाना जो है आजकल बाहर भी सप्लाई हो रहा है, कतर, बहरीन वगैरह कुछ सिटीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये फूड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये खाना इंडिया का बना है और बाहर जा रहा है। मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो अपनी मछलियों को खाना खिलाते हैं, तो वो उसमें बस यही देखते हैं कि ब्रांड क्या है। ज़्यादातर यही होता है कि बाहर के ब्रांड होते हैं तो हम उसे आँख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं और ओके ये बाहर का है तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसे में हमें अपने जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चांस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो आपके एक्वेरियम्स के लिए, आपकी हॉबी को बढ़ावा देती है। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को ज़रूर आज़माएँ। और
इंडिया के प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बने हैं उसको लेने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस बहुत आसान है, आप चीज़ों को ईजिली ट्रैक कर सकते हो, कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हो, कहाँ से आ रहा है उससे बात करना और इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा आसान है, खुद भी आप पूछना चाहोगे तो सब आंसर्स आपको जल्दी मिलेंगे। बाहर का कहीं है तो आपको बस ब्रांड पे, नाम पे, कभी बार पैसों को देख के बस आप ले लेते हो, रिव्यूज़ पढ़ के ले लेते हो, यहाँ पे आप सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद अवेलेबिलिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको कुछ चीज़ें लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, तो अगर चीज़ें इंडिया में ही बन रही हैं तो ये चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप शायद होपफुली जल्दी ये मार्केट में भी सर्कुलेट हो जाएगा, अवेलेबल रहेगा स्टोर्स में आपके सिटीज़ में, तो आपके लिए लेना बहुत आसान हो जाएगा। आपको हमेशा ऑनलाइन नहीं मंगाना है या फिर बिना देखे सोचे समझे सिर्फ मंगा लेना, ऐसा नहीं करना है, खुद देख के पैकेट हाथ में देख के फील करके कैसा है सब पढ़ के तब आप ले सकते हो। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइसिंग, पैसा भी जो है अगर इंडिया में बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी अच्छा होगा, ठीक है, बाहर के प्रोडक्ट्स हमेशा महंगे होते हैं और तो यहाँ से लेंगे, यहाँ का प्रोडक्ट है तो आपको प्राइस भी हमेशा अच्छा मिलेगा, ऑलमोस्ट आधा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैंने देखा है, बहुत रिसर्च करी है, इतने खाने हैं मछलियों के तो मैं उस पर देखता रहता हूँ फ़र्क क्या है, तो जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग हमेशा ही कम रहती है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी फ़िशेस को आगे फ्यूचर में भी ये बिल्कुल खिलाऊंगा, और अगर आप लोग चाहें तो आप भी अपनी फ़िशेस इस कंपनी का खाना ले के दे सकते हैं, इनकी डिटेल जो है वो मैं अपने वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी खाने में क्या क्या नया लॉन्च हो रहा है। तो ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।